मैं संजय विश्वकर्मा। दोस्तों आज हम बनाएंगे प्लाईवुड का काटकोना जो कि 1.5 फीट का बनाएंगे। दोस्तों हमारे कारपेंटर लाइन में जो काटकोना बनता है वो लगभग 1 फीट 1.5 फीट और 2 फीट का बनता है। अगर आप 1 फीट का बना रहे हो तो उसकी चौड़ाई आप 1 फीट रखो या 10 इंच कर सकते हो। अगर आप 1.5 फीट का बना रहे हो तो उसकी चौड़ाई आप 1 फीट रखो, और अगर 2 फीट बना रहे हो तो उसकी चौड़ाई आप 1.5 फीट रखो। ये क्या दिखने में भी अच्छा लगता है और काम भी बराबर करता है ये। तो अभी मैं आपके सामने 1.5 फीट का काटकोना बनाता हूँ। पहले मैं बना लिया हूँ तो उसको बनाते कैसे मैं आपको वीडियो में पूरी तरह से डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक 1 फीट बाई 1.5 फीट का एक प्लाईवुड कटिंग कर लेना है, वो भी 8 mm का। आप चाहे तो 12 mm का भी ले सकते हैं, लेकिन हम अभी 8 mm बना रहे हैं। तो इस तरह से आपको काटकोने की सहायता से प्लाईवुड कटिंग कर लेना है। अगर आपके पास पहले से प्लाईवुड का नहीं है तो आपके पास जरूर ये लोहे का होगा, आप उससे कर सकते हो। तो हमने 1 फीट बाई 1.5 फीट का प्लाईवुड रेडी कर लिया है। इसके बाद हमारा जो मेन चीज़ है, हमको ये एक कॉर्नर चेकिंग करने रहता है। ये चीज़ आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए, यही आपका मेन चीज़ है। ये अगर आपका बराबर आ रहा है दोनों साइड से, समझ लो आपका काटकोना एक नंबर बनने वाला है। और साइड एक धार आपको चेक करना पड़ेगा, जिस साइड से आपको कटिंग करना है वो साइड आपका परफेक्ट होना चाहिए। इस तरह से आपको चेक कर लेना है कौन सा धार सीधा है। अगर नहीं है तो थोड़ा रंधा मार लीजिए। उसके बाद आपको एक साइड से 3 इंच छोड़ के क्रॉस कटिंग कर लेना है। हाइट में भी 3 इंच और चौड़ाई में भी 3 इंच काट लेना है। इस तरह से क्रॉस एक साइड काटना है बस। तो हमने साइड से 2 इंच इधर से 2 इंच इधर से मार्किंग किया, हमारा 1 इंच का गेज है तो 3 इंच ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो इस तरह से पहले आपको क्रॉस कटिंग कर लेना है। उसके बाद आपको दोनों साइड में 1 इंच का पट्टी लगा लेना है। पट्टी सीधा होना चाहिए, आप चाहे तो 1.25 इंच भी कर सकते हो, 1.5 भी चलेगा, लेकिन पट्टी सीधा होना चाहिए जो हमारा मेन चीज़ है। तो इस तरह से आपको किले की सहायता से पट्टी को फिक्स कर लेना है। उसके बाद जो सीधी धार है उस पर आप काटकोना लगा के इस पट्टी को फिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास प्लाईवुड का काटकोना नहीं है तो आप लोहे का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह दोनों साइड से आपको पट्टी फिक्स कर लेना है। तो आपका काटकोना बनकर रेडी हो गया है। इसके बाद एक आपको सीधी प्लाई लेनी है जिसकी धार सीधी हो, और इस पर मार्किंग करके चेक कर लेना है इस तरह से, और उसको पलटी कर दीजिए और इधर भी से पेन चला लीजिए। तो देखिए हमारा लाइन एकदम सीधा है, स्ट्रेट है, दोनों पेन एक ही लाइन में चला है, यानी कि काटकोना आपका अच्छे से बनके तैयार है। इसके बाद आप चाहे तो बीच में डिजाइन कर सकते हैं या तो ऐसे छोड़ सकते हैं। अगर डिजाइन कटिंग कर लेंगे तो थोड़ा हल्का हो जाएगा और दिखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो अंदर से भी आप 3-3 इंच छोड़ के बीच में डिजाइन कट कर लीजिए क्रॉस इस तरह से।
दोस्तों काटकोना बनके पूरी तरह से तैयार है। तो इस तरह आप भी काटकोना बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।